और अब खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर राजवीर सिंह जादौन ने मंडल अध्यक्ष के साथ मिलकर सियाना में नवीन मंडी के गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भाकियों प्रदेश अध्यक्ष को कोई खामियां नहीं मिली। इस दौरान जादौन ने कहा कि किसानों की कोई भी समस्या उनकी ही समस्या है, किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जादू साहब संतुष्ट हैं कांटे की गिरी कांटे से? हाँ ठीक है, कॉल हो रही है, किसान की भी कॉल हो रही है, कोई शिकायत भी नहीं है। और थोड़ा बहुत होती हैं शिकायतें तो आपस में, ये भी हमारे कोई गैर नहीं है, तो आपस के लोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा गेहूँ किसान मिलावट नहीं करता अपने उत्पादन में। दुनिया का कोई भी उत्पादन करता मिलावट करे भी, किसान मिलावट नहीं करता। हम खेतों में पैदावार करते हैं, कोई छत पर नहीं होती है, ना पेड़ों पर लगती है। थोड़ा बहुत होता है उसका, तो सरकार भी छूट दिए हुए है, तो ठीक है, संतोषजनक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम याद आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में करने जा रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन का हर ज़िले में एक स्क्वाड तैयार होगा और वो किसानों का होगा। हर केंद्र पर डे जाकर के वो एकदम अचानक पहुँचेंगे, किसानों की बात जानेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। एक फ्लाइंग स्क्वाड तरह के हर ज़िले में गठन कराऊँगा और किसी प्रकार से किसानों को गेहूँ खरीद में परेशान नहीं। किसानों का रेट जो सरकार ने तय किया है, सॉरी गन्ने का, इसका गेहूँ का रेट तय किया है, संतुष्ट हैं आप? ना बिल्कुल नहीं, कतई संतुष्ट नहीं। भाई लागत सरकार बताएगी कि मेरे लागत है, अगर सरकार ही बताना चाहती है तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हर ज़िले में सरकारी कृषि फार्म है, सरकारी एग्रीकल्चर के कृषि फार्म है और वो खेती कर रहे हैं। सरकार अपने एग्रीकल्चर फार्म पर देखे कि कितनी लागत आई एक साल में और कितना प्रोडक्शन हुआ।